हेलो गाइस, आज मैं बनाऊंगी कुनरू और आलू की सादी वाली सब्जी जो पहले शादियों में बनती थी। तो आज हम इसमें ना टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो जो बड़े बुजुर्ग थे वो बोलते थे कटहल और कुनरू में नहीं डालना चाहिए। आपकी इच्छा, अगर आपको पसंद हो, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, मैंने नहीं डाला है। तो हम चलते हैं, बनाना स्टार्ट करेंगे बहुत आसानी तरीके से। तो चलिए देखिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाऊंगी कुनरू और आलू की सब्जी। तो मैंने इसे उबाला है, पहले शादियों में जैसे बनती थी उस तरह मैं बनाऊंगी। ये मैंने उबाल लिया है 3-4 सीटी में कुकर में। अब हम ये मसाले, कड़ी पत्ता, 4-5 मिर्च, 1 पुती लहसुन, अदरक, धनिया और ये मसाले, 1 चम्मच राई किसी चम्मच से और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर। तब हम इन सब मसालों को एक साथ में पीसेंगे और ये जो छोटू सा प्याज है इसे हम तड़का देंगे। तो हम इसे हाथ से ऐसे मीजेंगे, बहुत छोटा नहीं करना है, केवल इस तरह। तो आप भी बनाइए एक बार, बहुत टेस्टी होता है। तो हम इसे भी ऐसे तोड़ लेंगे। तो मैंने तोड़ लिया, ये बहुत ज़्यादा लाल है तो हम इसे बाहर निकाल दे रहे हैं। ये हल्का था तो ये चलेगा। तो हम सब एक साथ मिला लेंगे। तो मैंने अब इसे मिला लिया है, अब हम चलेंगे गैस की ओर। मैंने डालू क्या? अब मैं इसमें डालूंगी पंचफोरन। हमारा तेल गरम हो गया है, मैंने सरसों का तेल डाला है। अब हम इसमें डालेंगे, पंचफोरन हो गया, अब हम डालेंगे प्याज। बाहर निकालेंगे। सरसों का तेल डाला है तो हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा है। जीरा हो गया तो हम इसमें डालेंगे जो मैंने मसाले दिखाए थे वही पिसा है। अब हम इसे भूनेंगे। हमने उसमें तेल डाला था ज्यादा, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा डाला है। तो हम इसमें डालेंगे मसाले का पानी। पकाएंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो कच्चे हैं, हम इसे बराबर पकाएंगे। मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से पका लिया है। फिर मिला के हमने इसमें 1 कटोरी से कम पानी डाला है मसाले वाली। अब हम इसमें डालेंगे नमक। मसाला हमारा पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो मैंने रखा था सब्जी को। मैंने इसमें टमाटर इसलिए नहीं डाला कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे ना वो बोलते थे कुनरू और कटहल में टमाटर नहीं पड़ता,
आपकी इच्छा हो, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिए, इसलिए मैंने नहीं डाला। हम इसे डाल के मिलाएंगे जो मैंने पहले से रखा था, इसे मिलाएंगे हमें, और इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। मैंने एकदम नॉर्मल तरीके से बनाया है ना, इसमें मैंने लाल मिर्ची का प्रयोग किया है ना कश्मीरी मिर्च का। तो आपको पसंद हो तीखा ज़्यादा तो आप खा डाल सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं, हम इसे चला के देखेंगे। हमारी सब्जी बन के रेडी है। हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा तो आप इस तरह बना के एक बार ट्राई कीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।